हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों आप सभी के लिए। आप इसको जो तैयार करिए और SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सको, और साथ ही साथ जितने पत्र हैं उनकी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पत्र मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ इस बुक को आप ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, चाहे वो SSC CGL CHSL या फिर MTS की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप सेपरेटली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और डिस्काउंटेड रेट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। SCO लेटर सिंगल बुक में आपको मिल जाएगा इस बुक में। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 एक कानून है जिसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, ये कानून है जिसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, तो इसको पारित कब किया गया? 10 दिसंबर को किया गया था। और 10 दिसंबर आप सबको पता है ह्यूमन राइट्स डे होता है, मानव अधिकार दिवस होता है, इससे आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, इसको आसानी से कि 10 दिसंबर 2019 को ही इस विधेयक को लागू किया गया, पारित किया गया। राइट, इस विधेयक का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो जो ये विधेयक है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, ये इसका मेन उद्देश्य था। इन अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो इन अल्पसंख्यकों में कौन कौन है? हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी और जैन हैं। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, इनको आपको बताना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर आप दे सकते हो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। ठीक है, यानी कि ये कानून उन लोगों के लिए ही है जो 31 दिसंबर या उसके बाद या उसके पहले जो हैं भारत में आए हैं, भारत में रह रहे हैं, उनके ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया है और गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने का विकल्प चुना गया है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। देखो दोस्तों, ये इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो है मुस्लिम जो है वो बहुमत में है। ठीक है, वो यहाँ पर अल्पसंख्यक बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, सरकार का ये मानना है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो दोस्तों। इसके बाद आप बता सकते हो विपक्ष के अनुसार ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि सरकार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है ऐसा बोला गया है, ऐसा विपक्ष इस बात को लेकर के मुद्दा बनाया गया है इस बात को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन ऐसा बोला गया है क्योंकि सभी को बराबर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को नहीं इसमें शामिल किया गया, इस वजह से जो है विपक्ष इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, बता सकते हो इसके बारे में। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। यह विधेयक आवेदकों को प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने का मौका देता है। प्रकटीकरण यानी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो लोग एक तरह से ये विधेयक जो है इसके द्वारा लोग प्रकटीकरण के द्वारा भी नागरिकता पा सकते हैं, नागरिकता उनको प्रदान की जा सकती है यदि वो मौजूदा 11 वर्ष के बजाय पिछले 5 साल तक भारत में रहे हों। यानी कि पिछले 2014 से अगर 5 सालों तक भारत में लोग रह रहे हैं, 2014 से या उससे पहले से लोग रह रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी, उनको नागरिकता प्रकटीकरण द्वारा मिल जाएगी। राइट, नागरिकता पर प्रावधान।
इजर इनर लाइन द्वारा सुरक्षित संरक्षित राज्य और संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर आप दोस्तों ये भी बता सकते हो, ये जो नागरिकता के जो प्रावधान है इनर लाइन द्वारा संरक्षित जो राज्य है उन पर लागू नहीं होंगे और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज हैं उन पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर आप बता सकते हो इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले एक विशेष परमिट है जिसके बिना किसी अन्य राज्य का भारतीय इनर लाइन शासन के अधीन आने वाले राज्य का दौरा नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इनर लाइन जो परमिट के बिना कोई इन राज्यों में इन जगहों पर नहीं जा सकता, ये चीज़ आप बता सकते हो, इसी को इनर लाइन परमिट बोलते हैं। इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता होती है जो बाहर से लोग आते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दौरा करने अगर आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, तो उन पर यहाँ पर लागू नहीं होगा, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा ये बता सकते हो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे कि असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। जो 6वीं अनुसूची है वो आप बता सकते हो, ये असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे इन जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनके विशेष स्पेशल प्रोविजंस हैं इसमें। उत्तर पूर्वी राज्य विधेयक के खिलाफ हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो उत्तर पूर्वी राज्य है इस विधेयक के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, इसके खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना ये है कि अवैध प्रवासी जो है उससे पर बढ़ सकते हैं, यहाँ पर बढ़ जाएंगे। राइट, देश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से कंक्लूड करते लिख सकते हो कि सरकार यही मान रही है, सरकार का कहना यही है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग लिख सकते हो, इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सुगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पर। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया तो आपकी पूछा जा सकता है, आप लोग इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली SSC, CHSL, CGL, MTS और अदर एग्जाम्स के लिए। आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देख सकते हो और तैयार कर सकते हो। साथ ही लेटर की प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स भी मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ इंग्लिश में के लिए आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए आपको। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, सारे अपडेटेड टॉपिक्स होंगे जो उनको आप तैयार कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। राइट, और SCO लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट में आपको एक बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों, वहाँ से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। इंट्रोडक्शन से दोस्तों शुरुआत करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ विच अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आप शुरुआत कर सकते हो कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक लॉ है, कानून है, जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया, बदलाव किया, ठीक है, संशोधन किया। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह एंड पास्ड ऑन 10 दिसंबर 2019। अब आपको दोस्तों याद रखना है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, होम मिनिस्टर आपको याद रखना है अमित शाह जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया और पास किया गया 10 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 10 दिसंबर 2019 को याद रखना है आप सभी को ये डेट, और आप सबको आसानी से याद रहेगी, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे होता है भाई, आप सबको पता है ह्यूमन राइट्स डे होता है, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग इस दिन, इससे आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ देखो, द बिल एम्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजन टू 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब ये जो बिल है इसका मेन टारगेट क्या है, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को जो कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में है। राइट, माइनॉरिटीज़ के लिए केवल बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। इन दीज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिक्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें ये कैटेगरी आपको याद रखनी है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और पारसी और जैन, ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं इनको बेसिकली क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है इस बिल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है एज इट इज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में। दिस लॉ अप्लाइज टू दोज हु विजिटेड इन इंडिया
ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, ठीक है। यानी कि ये लॉ उन सभी के लिए अप्लाई होगा, उन सभी के ऊपर अप्लाई होगा जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 को आए हों या उससे पहले से रह रहे हों, ठीक है। द बिल एक्सक्लूड्स मुस्लिम कम्युनिटी एंड हैज ऑप्टेड टू ग्रांट सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हु हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो इस बिल में मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मुस्लिम बहुमत कंट्रीज ही हैं, ठीक है। इसलिए इनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, राइट। और एक तरह से जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट की जाएगी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आएंगे, राइट दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है इसके रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन इट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी स्टेटिंग दैट The government will not discriminate on the basis of religion, caste, race, sex or birth. ठीक है, यानी अपोजिशन जो है इसको लेकर के ये कह रहा है कि जो ये जो लॉ है ये वॉयलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, समानता के अधिकार का वॉयलेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, गवर्नमेंट किसी भी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ के बेसिस पे। यहाँ पर मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया, इस बात को लेकर के अपोजिशन जो है विरोध भी कर रही है इसका, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, बता सकते हो बेटर तरीके से, राइट। इसके बाद देखो बॉडी सेक्शन में और आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे द बिल गिव्स एप्लीकेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू ग्रांट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इंस्टेड ऑफ करेंट 11 ईयर्स, ठीक है। आप देखो इसमें बदलाव भी किया गया, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो बिल है उन एप्लीकेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जो एक तरह से इंडियन सिटीजनशिप उनको नेचुरलाइजेशन द्वारा भी मिल सकती है जो कि रह रहे हैं भारत में, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स से, अगर पिछले 5 सालों से अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो उस केस में उनको जो है इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर जाए दी जाएगी नेचुरलाइजेशन द्वारा, ठीक है। वैसे नॉर्मल कानून जो है 11 साल का, अगर आप 11 साल से भारत में रह रहे हैं तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है, 5 साल से अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो भी आपको नेचुरलाइजेशन द्वारा सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी, राइट। द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट्स प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोविजंस है सिटीजनशिप के, ये बेसिकली उन स्टेट्स पर नहीं लागू होंगे, ठीक है। विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट जो कि इनर लाइन द्वारा प्रोटेक्टेड किए गए हैं एंड द एरियाज कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है, तो जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर इनको लागू नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप दोस्तों याद रखेंगे। बाकी इनर लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप बता सकते हो, द इनर लाइन परमिट इज अ स्पेशल परमिट ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट विच द इंडियन सिटीजन कैन नॉट विजिट एनी प्लेस अंडर इनर लाइन रिजाइन, ठीक है। यानी कि इनर लाइन प्लेस परमिट वो होता है जब जो स्पेशल स्टेट्स हैं वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है सरकार से, और बिना परमिट के आप इन जगहों पर नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि ट्राइबल्स जो रहते हैं यहाँ पर वो उनका मतलब डिस्टर्ब ना हो, हारमनी जो है उनकी इसको लेकर के थोड़ा सा रहता है, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखो द 6th शेड्यूल डील विद द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 6th शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये आप याद रखेंगे, इन स्टेट्स में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर अगेंस्ट द बिल एज दे बिलीव इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो भी इस बिल के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर उनके प्लेस पर बढ़ जाएंगे, उनके स्टेट में बढ़ जाएंगे, राइट दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो डिस्पाइट प्रोटेक्ट्स इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट सेज देयर हैज बीन नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्ट्स तो हुए लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट यही कह रही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में, और आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है,
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिए और अदर टॉपिक्स को भी तैयार करिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं। अनअकैडमी पर जीएस की क्लास डेली लगती है 12 से 1 और शाम को 8 से 9, तो ये क्लासेस आप अटेंड करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा क्लासेस में। सारी जितने भी जीएस है मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ तो आप उनको वॉच करिए ज़रूर। डेली बेसिस पे क्लास होती है तो रेगुलरली आप वॉच कर सकते हो उनको, राइट। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।